वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक इज टॉक विद गौतम में। आज हम बात करने वाले हैं हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक सीरीज के बारे में। सीरीज का नाम है ग्रहण। 6 घंटे के आसपास का समय आपको उसको देखने के लिए देना पड़ता है, लेकिन क्या ये सीरीज देखी जानी चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। अब बात कर लेते हैं ग्रहण नाम के सीजन के बारे में कि ये सीजन क्या देखा जाना चाहिए। तो डेफिनेटली यार, ये सीजन देखा जाना चाहिए। बहुत अच्छे से लिखा गया है, कसा हुआ स्क्रीन प्ले जो आपको कहीं भी बोर होने नहीं देता। पास्ट और प्रेजेंट को जिस तरह से आपस में जोड़ा गया है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है, वो तरीका आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अलग अलग दौर की कहानियों को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, वो सब देखना आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत सारे लोगों ने इसका बॉयकॉट करने की मांग की थी, क्योंकि सभी को लगता था कि यार ये सिख दंगों पर आधारित है या उसमें किसी एक पक्ष को गलत तरीके से दिखाया गया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को ऑफेंड करे। हाँ, एक दो जगह ऐसे डायलॉग्स हैं जो किसी किसी लोगों को चुभ सकते हैं, अदरवाइज इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका बॉयकॉट किया जाए। सीरीज देखने में बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोगों को, जैसे ट्विटर पे लोगों ने मांग चलाई थी बॉयकॉट करने की, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, उस वजह से सीरीज को इतना नहीं देखा गया। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यार ये सीरीज देखने लायक है, कहीं भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को परेशान करे। बाकी फुल एंटरटेनमेंट आपको मिलता है, बाकी कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये कहानी आपको किसी और तरीके से भ्रमित करने की कोशिश कर रही हो या किसी एक पक्ष को उजला दिखाने की कोशिश कर रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो ये कहानी देखी जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप लोग इस कहानी को देखने के बाद। तो इसको एक बार के लिए जरूर जा करके देखिए, यही सबसे कहना चाहूँगा। इसकी कहानी के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कहानी, आधे से ज़्यादा कहानी इसके ट्रेलर में ही रिवील कर दी गई थी कि भैया 84 के दौर में कुछ एक लोग थे जो दंगों में इन्वॉल्व थे, उसके बाद वो कहानी आज के दौर में आ जाती है। वहीं इसके अंदर दिखाई गई एक प्रेम कहानी है जो 1984 के दौरान दिखाई गई थी, उस प्रेम कहानी का क्या अंजाम हुआ, उन लोगों का क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं सीरीज की स्टार कास्ट के बारे में। तो आपको देखने को मिलते हैं पवन राज मल्होत्रा, इसके अलावा जोया वामिका गब्बी आपको इसमें देखने को मिलती है, इसके अलावा अंशुमान पुष्कर और टीकम जोशी जैसे मजे हुए कलाकार आपको इस सीरीज में देखने को मिलते हैं। इस सीरीज के सभी कलाकारों ने अपना काम बहुत ठीक तरीके से किया है, चाहे मुख्य किरदार निभा रहे किरदार हों या कोई भी छोटा मोटा रोल कर रहे कलाकारों, सभी ने अपना काम बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। तो ये सीरीज एक बार के लिए देखी जानी चाहिए। अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं सीरीज को देना चाहता हूं 5 में से 4 अंक। बाकी इसी तरह के मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। जिन भी मूवीज का, वेब सीरीज का आप लोग रिव्यू जानना चाहते हैं, उनके बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस सीरीज को देखें, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आप लोग इस सीरीज से ऑफेंड होते हैं तो कौन से ऐसे सीन हैं जिनके दौरान आप लोग ऑफेंड महसूस किया, तो उस सब के बारे में भी मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने विचारों से मुझे अवगत कराते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्यू में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।